फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके फोन की स्क्रीन जो है वो जल्दी जल्दी ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे टैप कर लेना है। अब इसके अंदर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्क्रीन टाइम आउट का, इसे टैप करना है। इसमें देखिए मेरा 10 मिनट के सामने टिक मार्क लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है मेरे फोन की स्क्रीन 10 मिनट तक चालू रहती है, 10 मिनट बाद जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो अगर आपका इस पेज में जो है कम टाइमिंग पे टिक मार्क लगा हुआ है ना, तो इसमें आपको टाइमिंग को बढ़ा लेना है, ठीक है, जिससे आपके फोन की स्क्रीन ज्यादा देर तक ऑन रहेगी। अब देखिए कुछ और भी सॉल्यूशन बताता हूं। आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप कर लेना है। अब आपको इस पेज में नीचे आना है और आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहां पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको ना सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप कर लेना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।